Assalamualaikum guys, this is Amar from Yenzoos and today we will discuss about the pharyngeal apparatus. This is a topic of embryology and now let's start. So basically आपके सामने ये एम्बिव्यू है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये इसका क्वेनी लैंड है, ठीक है, और यहाँ इसके क्वेनी लैंड के पास आप ये देख सकते हैं कि ये प्रोमिनेंसीज हैं जिसके ऊपर नंबरिंग की हुई है 1, 2, 3 and 4. तो हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे. अगर मैं इसे यहाँ से स्लाइस कट कर लूँ, ठीक है, ये जो प्रोमिनेंसीज हैं, ठीक है, इन्हें ही कहा जाता है फ्रेंजियल अपेरेटस और इसी के बारे में हम बात करेंगे. अगर सपोज मैं इसे यहाँ से कट कर लेता हूँ, ठीक है, इसे यहाँ से आप कट करते हैं, जैसे ये है एक डायग्राम, उन्हें टर्नल की दिखाई है, ठीक है, आप इसे ऐसे कट कर लेते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसी डायग्राम आ जाती है, ठीक है. इस चीज़ के वो हम एक्सप्लेन करेंगे कि फ्रेंजियल अपेरेटस है क्या. अच्छा, इन डायग्राम्स के अंदर देखिए उन्होंने डिफरेंट स्टेजेस दिखाई हैं, ठीक है, ये फ्रेंजियल अपेरेटस बन रहा है, ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं ये बेसिकली ये फ्रेंजियल अपेरेटस है. तो इसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ. मैंने एक जगह और डायग्राम बनाई हुई है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ. ये ऐसे बनाई है इसी डायग्राम को, ठीक है, इसके अंदर लेके आया हूँ. तो बेसिकली सबसे पहले तो ये जो ऊपर वाली दो मेम्ब्रेन हैं, ठीक है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म जहाँ मिल रही हैं, ठीक है, यहाँ लूज कनेक्टिव टिश्यू एक किस्म का आ जाता है और इसे कहते हैं बकोफ्रेंजियल मेम्ब्रेन, ठीक हो गया. अच्छा, उसके बाद आपके पास तीन टर्म्स हैं, एक फ्रेंजियल आर्च है टर्म, एक है फ्रेंजियल क्लेफ्ट है और एक है फ्रेंजियल पाउचेस. फ्रेंजियल क्लेफ्ट्स को फ्रेंजियल ग्रूव्स भी कहा जाता है, ठीक हो गया. अच्छा, तो जो ये सबसे आउटरमोस्ट आपको लेयर नजर आ रही है, ठीक है, ये ब्लू वाली, इसे हम कहते हैं फ्रेंजियल क्लेफ्ट्स या ग्रूव, ठीक है, और ये कवर्ड किससे होती है, एक्टोडर्म से. उसके बाद आ जाते हैं फ्रेंजियल आर्चेस क्या होती हैं. ये जो आपको अंदर नजर आ रहा है, ठीक है, ऐसे ही सेम इधर भी होगा, तो मैंने ड्रा नहीं किया. ये जो आपको अंदर नजर आ रहा है ग्रीन कलर का, ठीक है, ये फ्रेंजियल आर्चेस हैं, ठीक है, और ये मेसोडर्म मेसेनकाइमल टिश्यू एक किस्म का, ठीक है, ये मेसोडर्म से मेड अप ऑफ है. ये जो ग्रीन कलर का आपको इसके अंदर नजर आ रहा कोर, इसकी ये मेसोडर्म से, ठीक है, और ये जो अंदर वाली लेयर्स हैं, ये जो अंदर वाली आपको लेयर नजर आ रही, ठीक है, ये वाली, इसे क्या कहते हैं, फ्रेंजियल पाउचेस, ठीक है, और ये किससे बनी है, मेड अप ऑफ एंडोडर्म. तो बेसिकली ये जो तीन टर्म्स हैं, फ्रेंजियल आर्च, फ्रेंजियल क्लेफ्ट्स और फ्रेंजियल पाउचेस, ठीक है, ये आगे किसे किसे एक किस्म का बनाएंगे, कौन कौन से स्ट्रक्चर इनसे निकलेंगे, तो आए उसकी तरफ देखते हैं. अच्छा, तो ये जो फ्रेंजियल क्लेफ्ट है, ठीक है, फ्रेंजियल क्लेफ्ट मैंने आपको बताया था, फ्रेंजियल क्लेफ्ट कौन सी है, इसमें ये जो सबसे बाहर वाली ये लेयर है ना, ठीक है, इसे फ्रेंजियल क्लेफ्ट या फ्रेंजियल ग्रूव कहा जाता है. अच्छा, ये जो फ्रेंजियल क्लेफ्ट है, ठीक है, ये किसे राइज देगी, ये एपिथीलियम को देगी और इसमें सिर्फ फर्स्ट क्लेफ्ट, यानी ये जो इस वाले की है ना, ठीक है, ये जो फर्स्ट क्लेफ्ट है, ठीक है, सिर्फ इसकी हम बात करेंगे. ये जो फर्स्ट क्लेफ्ट है सिर्फ यही आगे किसे देगी, एक्सटर्नल ईयर कैनाल को, यानी जो ये आपकी एक्सटर्नल ईयर के ना कनाल है, ठीक है, इसे ये राइज देगी, बाकी जो है इसके अंदर फ्रेंजियल क्लेफ्ट से उनका काम नहीं है, ठीक है, मतलब कि वो राइज नहीं देंगी ना स्ट्रक्चर्स को. अच्छा, काम तो होगा जाहिर बात, लेकिन वो स्ट्रक्चर्स को राइज नहीं देंगी. खैर, आ गया फ्रेंजियल आर्चेस. फ्रेंजियल आर्चेस की मैंने आपको बताया था, फ्रेंजियल आर्च इसमें क्या है, ये जो अंदर वाला ग्रीन कलर का आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये कोर जो बनी हुई है, ये है फ्रेंजियल आर्चेस. और ये फ्रेंजियल आर्चेस किसे किसे आगे राइज देंगी, कनेक्टिव टिश्यू को, कार्टिलेज को, मसल को, बोन को और नर्व्स को, ठीक है. उसके बाद है फ्रेंजियल पाउचेस, जो इंटरनल लेयर थी इसके अंदर, ठीक है, वो क्या थी, ये फ्रेंजियल पाउचेस. और ये फ्रेंजियल पाउचेस किसे राइज देंगे, ठीक है, एक तो ये एपिथीलियम को देंगे, दूसरा ग्लैंड्स को. अब इनके आगे डिटेल में देखते हैं. अच्छा, तो अगेन आप ये डायग्राम्स देखें, ठीक है, यही डायग्राम को मैंने वो सिंप्लीफाई करके बनाया हुआ था, तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि फ्रेंजियल आर्च क्या है, फ्रेंजियल क्लेफ्ट क्या है और फ्रेंजियल ग्रूव्स क्या है, ठीक है. बेसिकली इसके अंदर अभी उन्हें सिर्फ फ्रेंजियल अपेरेटस का ये देखें बताया हुआ कि ये फ्रेंजियल अपेरेटस है आपको. अब बात करेंगे हम पहले फ्रेंजियल आर्च की. ये देखें उन्हें बताया हुआ कि जो अंदर वाला है, ठीक है, ये फ्रेंजियल आर्च है, ये फर्स्ट फ्रेंजियल आर्च, ये सेकेंड फ्रेंजियल आर्च और ये थर्ड फ्रेंजियल आर्च, ठीक है, और ये फोर्थ फ्रेंजियल आर्च. ये उसे वो आर्टी का बताया गया जो इसके अंदर स्ट्रक्चर है. खैर, अब ये किसे किसे राइज देंगी, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये इसमें से कौन कौन से स्ट्रक्चर निकलेंगे वो देखते हैं.
अच्छा, तो बेसिकली सबसे पहले फर्स्ट फ्रेंजियल आर्च के मसल्स देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट फ्रेंजियल आर्च से मसल कौन से निकलेंगे? मसलो मेस्टिकेशन, जिसमें वो टेम्पोरेलिस है, ठीक है, मेजिटल मसल है, मिडियल टेरिगॉइड और लेटरल टेरिगॉइड उसमें शामिल है, ठीक हो गया, मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन। उसके बाद माइलोहाइड है और डायगैस्ट्रिक है, माइलोहाइड एंड इंटीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक। उसके बाद टेंसर टिम्पैनी और टेंसर विलाए पैलेटिनी, ठीक हो गया। ये मसल्स कहाँ से निकलेंगे? फर्स्ट फ्रेंजियल आर्च से। अच्छा, उसके बाद है सेकंड फ्रेंजियल आर्च। सेकंड फ्रेंजियल आर्च से मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन है, ठीक है। मसल ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन में क्या आ जाता है? ठीक है, पहला आ जाता है बक्सिनेटर आ जाता है, ठीक है, ऑरिकुलरिस है, फ्रंटालिस है, और वो हमने देख लेने, प्लाटिज्मा इसमें आ जाएगा, ठीक है, ऑर्बिकुलरिस ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई, ठीक है। उसके बाद थर्ड फ्रेंजियल आर्च से में क्या है? ठीक है, स्टाइलो फ्रेंजियस मसल है। और उसके बाद फोर्थ फ्रेंजियल आर्च में क्या है? ये साइको थायरॉयड है, ठीक है, लिवेटर विलाई पैलेटिनी है, कॉन्स्ट्रिक्टर्स ऑफ फेरिंग्स है, इंटीजिंग मसल ऑफ लेरिंग्स है, और स्ट्रिएटेड मसल ऑफ ऑसोफेगस है, इसोफेगस सॉरी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखते हैं कि ये स्केल्टर स्ट्रक्चर यानी बोन्स कार्टिलेजेस, इसमें से कौन कौन सी निकलती हैं। जो फर्स्ट फ्रेंजियल आर्च है, ठीक है, उसमें से पहले क्या निकलता है, पहले क्या दिया, उसमें से जो चीज़ें निकलती हैं उसमें मेलियस है, इनकस है, मैक्सिला, जाइगोमेटिक, मैंडिबल और टेम्पोरल, ठीक हो गया। अच्छा, सेकेंड फ्रेंजियल आर्च में क्या है? उसमें स्टेप्स, स्टाइलॉइड प्रोसेस, लेसर कॉर्निया ऑफ हाइड बोन यानी हाइड बोन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद थर्ड फ्रेंजियल आर्च में क्या है? ग्रेटर कॉर्निया ऑफ हाइड बोन। और उसके बाद जो फोर्थ फ्रेंजियल आर्च है, इसमें लेरिंग्स की कार्टिलेजेस आ जाती हैं, थायराइड कार्टिलेज है, साइकॉइड कार्टिलेज है, ठीक है, एटिनॉइड कार्टिलेज है, कॉर्निकुलेट कार्टिलेज है, और क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद इसमें लिगामेंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट फ्रेंजियल आर्च से निकलता है एंटीरियर लिगामेंट ऑफ मेलियस, स्फिनोमैंडिबुलर लिगामेंट, और सेकंड फ्रेंजियल आर्च से निकलता है स्टाइलोहाइड लिगामेंट, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं इसमें नर्व्स के ऊपर। फर्स्ट फ्रेंजियल आर्च यानी फर्स्ट उसे मैंडिबुलर आर्च भी कहते हैं, ट्राइजेमिनल क्रैनियल नर्व 5, सेकंड से फेशियल क्रैनियल नर्व 7, और इसे हायड आर्च भी कहते हैं, ठीक है। थर्ड से ग्लोसोफेंजियल नर्व यानी 9, क्रैनियल नर्व 9, और फोर्थ एंड सिक्स से स्पियर लेंजियल ब्रांच ऑफ वेगस क्रैनियल नर्व 10, और रिकर्न लेंजियल ब्रांच ऑफ वेगस क्रैनियल नर्व 10, ठीक है। अच्छा, इसमें आर्टरीज आप देखते हैं कि आर्टरीज इसमें से कौन कौन सी निकलती हैं। फर्स्ट जो फ्रेंजियल आर्च है यानी मैंडिबुलर आर्च है, उससे निकलती है मैक्सिलरी आर्टरी, ठीक है। सेकंड जो फ्रेंजियल आर्च है, हार्ड आर्च है, ये किसे डिवेल्प, इसमें से डिवेलपमेंट किसकी होगी? स्टेपीडियल आर्टरी की, ठीक है। थर्ड फ्रेंजियल आर्च से कौन सी होगी? कॉमन कैरोटिड और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की, ठीक है। अच्छा, फोर्थ एंड सिक्स्थ फ्रेंजियल आर्च, फिफ्थ का इसमें जिक्र नहीं है, ठीक है, क्यों ये देखें तो लिखा हुआ है द फिफ्थ फ्रेंजियल आर्च इज ऑफन एब्सेंट, ठीक है। अच्छा, तो फोर्थ में से सब क्लेवियन राइट साइड वाली फोर्थ फ्रेंजियल आर्च से, और लेफ्ट साइड वाली में से क्या निकलेगी? ऑर्टिक आर्च, ठीक हो गया। जो सिक्स्थ है उसमें से राइट साइड वाला जो सिक्स्थ आर्च है उसमें से निकलेगी राइट पल्मोनरी आर्टरी, और लेफ्ट वाली में से लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और डक्टस आर्टरी ओसस, ठीक है। तो बेसिकली ये फ्रेंजियल आर्चिस का था। अब आगे चलते हैं जो फ्रेंजियल पाउचेज हैं। अच्छा, तो मैंने ये सिर्फ हाईलाइट इधर कर दिया, ठीक है। फर्स्ट फ्रेंजियल पाउच में से क्या निकलता है? टिम्पैनिक कैविटी, यानी ये गिव राइज करेगी टिम्पैनिक कैविटी को, ठीक है, और फ्रेंजियो टिम्पैनिक ट्यूब, ठीक है, यानी वो इसकी वजह से बनेगी। उसके बाद सेकंड फ्रेंजियल पाउच में क्या है? टॉन्सिलर साइनस है, ठीक है, यानी जो टॉन्सिल से रिलेटेड है ना इसमें, वो सेकंड फ्रेंजियल पाउच से है, आप यहां से याद रख लें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद थर्ड फ्रेंजियल पाउच है, उसमें इन्फीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड और थाइमस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फोर्थ फ्रेंजियल पाउच है, उसमें स्पियर पैराथायरॉयड ग्लैंड। अच्छा, इधर लिखा होगा द फोर्थ पाउच एक्सपेंड्स इनटू डोर्सल बल्बर एंड एलोंगेटेड वेंट्रल पार्ट्स, ठीक है। अच्छा, ये जो वेंट्रल पार्ट्स है ना, इधर आपको ये नजर आएगा अल्टीमो फ्रेंजियल बॉडी, ठीक है, ये इन्हें दिखाइए, फोर्थ फ्रेंजियल पाउच में से है, ठीक हो गया। तो बेसिकली ये पाउचेस का था। आगे देखते हैं फ्रेंजियल ग्रूव्स हैं। फ्रेंजियल ग्रूव का मैंने आपको पहले बता दिया, यानी फ्रेंजियल क्लेफ्ट का, कि उन्हें देखा लिखा है ओनली वन पेयर ऑफ ग्रूव्स कंट्रीब्यूट टू पोस्ट नेटल स्ट्रक्चर, द फर्स्ट पेयर पोजिशन एक्सटर्नल अकोस्टिक मीटर्स, ठीक है। जो द अदर ग्रूव लाइन स्लिट लाइक डिप्रेशन सर्विकल साइनस एंड आर नॉर्मली ऑब्लिटरेटेड अलॉन्ग विद द साइनस एज द नेक डिवेल्प्स, बट डिफेक्ट्स ऑफ सेकंड ग्रूव आर रिलेटिवली कॉमन, ठीक है। जो सेकंड ग्रूव है उसमें बर्थ से डिफेक्ट कॉमन है, और जो फर्स्ट ग्रूव है, ठीक है, उसमें से सिर्फ एक्सटर्नल अकोस्टिक मीटर्स निकलेगा, बाकी ग्रूव्स इसके अंदर एक किस्म का कंट्रीब्यूशन नहीं करती स्ट्रक्चर बनाने के अंदर।
अच्छा इस डायग्राम के अंदर देखिए उन्होंने डिटेल में ज़रा अच्छी तरह बताया हुआ, ठीक है। ये देखें ये जो अंदर को स्ट्रक्चर जा रहे हैं ये क्या है, ये पाउचीज हैं, ठीक है। यानी जो मैं बताया था इंटरनल लेयर आपको मैंने दिखाई थी, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये जो आर्चीज क्या है, ये अंदर वाला जो मैंने आपको कोर वाला दिखाया था वो क्या होगी, आर्चीज। और जो बाहर से एक्सटर्नल लेयर है, ठीक है, इन्हें क्या कह दिया, ग्रूव कह दिया या क्लेफ्ट्स कह दिया, ठीक है। लाइक मैं आपको वो डायग्राम दिखाता हूँ दोबारा, ये देखें जो ये एक्सटर्नल लेयर थी मैंने क्या कहा था, फ्रंट ग्रूव्स हैं, ठीक है। जो दरमियान वाली, ठीक है, उसे कह दिया था ये जो कोर है उसे कह दिया था आर्च। और जो सबसे अंदर वाली थी, ठीक है, इसे हमने क्या कहा था, फ्रेंजियल पाउचेस, ठीक है। सेम इसी तरह इधर भी देखें जो सबसे अंदर वाली है उनका ये जिक्र कर रहे हैं पाउचेस के अंदर, और जो दरमियान वाली है, ठीक है, लाइक ये जो इसके अंदर कोर वगैरह है इसका फ्रेंजियल आर्च, और ये फ्रेंजियल जो बाहर वाली एक्सटर्नल है, ठीक है, ये वाली जैसे कि इधर उन्होंने लेबल इधर कर दिया, ठीक है, ये फ्रेंजिल क्या ग्रूव्स, ठीक हो गया। तो इनके से जो स्ट्रक्चर निकलते हैं वो भी आपको बता दिए, तो उम्मीद है कि यार इजीली आपका ये इंशाल्लाह समझ आ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को या लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा, क्या लिखिएगा, ये देखें आप एक्सटर्नल कॉस्टिक मेटस, ठीक है, ये फर्स्ट फ्रेंजियल जो ग्रूव है, ठीक है, फर्स्ट फ्रेंजियल ग्रूव से इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रही है, जैसे कि यहाँ इन्होंने बात की थी एक्सटर्नल कॉस्टिक मेटस, ठीक है, वो एक्सटर्नल कनाल जो ईयर की बन रही है। बाकी देखें बाकी वो एक किस्म का ग्रूव्स का नहीं आ रहा ना डेवलपमेंट इतनी। सेकंड के उन्होंने बताया था कि सेकंड के सेकंड जो है ना इसमें, सॉरी इधर रह गया, बर्थ डिफेक्ट्स ऑफ सेकंड ग्रूव आर रिलेटिवली कॉमन, ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्रेंजियल अपरेटस का एक ओवरव्यू। तो बेसिकली ये KLM में एम्ब्रियोलॉजी की बुक, ठीक है। बस अल्लाह हाफिज़।